और हम भाई ये इतना रश आपने लगाया भाई, क्या बात है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, जहाँ आवाम को मिल रहा है इतना सस्ता, आवाम तो आएगी बिल्कुल। पहले बिरयानी तो अलवरीद की मशहूर थी, अब फास्ट फूड, देसी, बारबेक्यू, सब कुछ ही है। जबरदस्त, बिल्कुल, क्या बात है भाई। ये डील है 1999 रुपए की, जिसमें भाई 5 से 6 लोग आप लोग देखो खा सकते हो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आप लोगों ने अलफरीद पकवान की बिरयानी पुलाव तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज आप लोगों को मैं ट्राई करवाऊंगा अलफरीद का बारबेक्यू, अलफरीद का फास्ट फूड, कढ़ाई, देसी, सब कुछ ही आपको मिल जाएगा एक ही डील में बहुत ही मुनासिब कीमत पे। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या अवेलेबल है डील में, तो चलो चलते हैं, बात करते हैं और आप लोगों के साथ मज़ेदार रिव्यू शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मज़ेदार वीडियोज आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम परम भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। परम भाई ये इतना रश आपने लगाया भाई, क्या बात है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, जहाँ आवाम को मिल रहा है इतना सस्ता, आवाम तो आएगी बिल्कुल। ये बात है, आज मुझे कौन सी डील खिला रहे हैं आप? आप जो खाना पसंद करें, कौन सी खिलाएं आपको? ये आपकी मैंने एक डील देखी है जो 1999 रुपए की है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है? इसमें हमारे पास बहुत जबरदस्त डील है, ये इसमें चिकन कढ़ाई है 1/2 kg, और बीफ हलीम है, और बीफ पुलाव है 1/2 kg, और चिकन बिहारी टिक्का है 3 पीस, मलाई बोटी है। भाई इसमें कितने लोग खा लेंगे आपको लगता है? इसमें तकरीबन 5 से 6 लोग आराम से खा लेंगे। पहले बिरयानी तो अलवरीद की मशहूर थी, अब फास्ट फूड, देसी, बारबेक्यू, सब कुछ ही है। जबरदस्त, बिल्कुल, क्या बात है भाई, पैकिंग होके जा रही है, देख रहे हैं, मजा आने वाला है। तो मैं बैठूं, मेरी डील लगवा रहे हैं आप? इंशाल्लाह। लोकेशन बता दें हमारे देखने वालों को, अलफरीद का ये जो नया सेटअप आपने ओपन किया है फास्ट फूड बारबेक्यू का, ये किस जगह पर है? गुलशन में, ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 4 में? और क्या टाइमिंग है? और क्या टाइमिंग है? टाइमिंग इसकी हम शाम में 5 बजे से शुरू कर रहे हैं और रात 12:30-1 बजे तक होते हैं। 1 बजे तक होते हैं। और आपके और भी डील्स अवेलेबल हैं, एक जिंगर के साथ एक जिंगर फ्री, इसके अलावा ब्रोस के साथ ब्रोस फ्री, ब्रोस के साथ रोल फ्री। चले फिर बिस्मिल्लाह करें, बैठू डील लगवा रहे हैं। चले ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो भाई डील हमारे पास आ चुकी है और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कुछ हमें इस डील में मिला है कि मुझे याद भी नहीं करना आ रहा था। ये डील है 1999 रुपए की, जिसमें भाई 5 से 6 लोग आप लोग देखो खा सकते हो। तो क्या क्या हमें मिला है भाई? सबसे पहले हमें मिला है बीफ पुलाव विद लॉट ऑफ बारबेक्यू, ये रही हमारी चिकन कढ़ाई, यहाँ पे हमारा हलीम है, रायता है, चटनी है, और ये हलीम के कुछ लवाजमात, साथ में नान और चपाती। तो भाई डील तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, अब टेस्ट में कैसी है ये तो रिव्यू बताएगा, तो चले रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इनका बारबेक्यू 1 by 1 तो हम ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जो मेरे फेवरेट आइटम है ना बारबेक्यू के, वो है भाई मलाई बोटी। तो सबसे पहले बीफ, सॉरी, चिकन की मलाई बोटी से ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको रूखा ही ट्राई करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है ना मलाई बोटी का वो माइल्ड होता है। बिस्मिल्लाह भाई, काफ़ी जूसी है, काफ़ी टेंडर्ड है, और इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं, ये देखें काफ़ी सॉफ्ट और जूसी है ये। सो मलाई बोटी तो आई थिंक इनका बारबेक्यू वैसे भी काफ़ी बार मैंने ट्राई किया है, बट इन्होंने अभी जब से डील लगाई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसी डील दिखाऊं जो 5 से 6 लोग आएँ और आराम से इन्जॉय कर सकें। अच्छा, इसमें गोला कबाब भी है, चिकन टिक्के के 3 पीस हैं, चिकन बोटी है, बीफ पुलाव है और रेशमी कबाब है। तो अब मैं सोच रहा हूँ बीफ पुलाव इनका ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि बीफ पुलाव की मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, और बीफ पुलाव और बीफ बिरयानी के लिए तो ये पहले से ही काफ़ी फेमस हैं। सो बीफ पुलाव इनका एक बाइट ले रहा हूँ मैं। काफ़ी खिले हुए चावल हैं और टेस्ट वाइज ये थोड़ा माइल्ड है। एक होता है हैदराबादी बीफ पुलाव, एक होता है प्लेन पुलाव, ये प्लेन पुलाव है, ज़्यादा मतलब इसमें मसाले वगैरह नहीं है, काफ़ी माइल्ड फ्लेवर में बना हुआ है। आप लोग बोले होंगे बारबेक्यू से डायरेक्ट पुलाव पे चला गया मैं, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी पुलाव खाने की, तो इस वजह से। खैर मैं और आइटम आपको दिखा दूँ, बीफ बिहारी बोटी है, ये बीफ बिहारी बोटी का भी एक पीस ले लेते हैं, क्योंकि अगर जो बारबेक्यू का शौकीन होता है ना, वो जहाँ भी जाता है बीफ बिहारी बोटी ज़रूर ट्राई करता है। बिस्मिल्लाह भाई, मसाले इस पर बहुत मज़ेदार लगे हुए हैं, मसाले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, काफ़ी सॉफ्ट बोटी है और मसाले इस पर जो लगे हुए हैं ना, ओ हो, मसाले बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। एक और बाइट लेंगे बीफ बिहारी बोटी का। भाई मलाई बोटी और बीफ बिहारी बोटी दो आइटम मैंने इनके ट्राई करे हैं, साथ में गोला कबाब भी है, इसका भी एक बाइट ले लेते हैं। बारबेक्यू में तमाम रूखा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लेवर को अच्छे से डिस्क्राइब करने में मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह भाई,
छोला कबाब अच्छा है बट बीफ बिहारी बोटी और मलाई बोटी की टक्कर का नहीं है। सो भाई बारबेक्यू तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी थाल है, मैं बोलता हूँ 2 से 3 लोग तो सिर्फ यही खा लें तो उनका पेट भर जाएगा। अब मैं इनकी कढ़ाई ट्राई कर लेता हूँ जो इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है और जो इनके ऑनर हैं इमरान भाई नाम है ना भाई उनका, उनका कहना है कि यार कढ़ाई आप हमारी ट्राई करें क्योंकि कढ़ाई उन्होंने आज तो स्पेशली ख़ुद से मेरे लिए बनाई है। तो ये कढ़ाई और चिकन के पीसेस हैं, थोड़ी ड्राई कढ़ाई लग रही है ये मुझे, और ये चिकन का पीस ले लिया। थोड़ी सी मैं इसमें कढ़ाई में ग्रेवी ढूंढ लूँ, ये ग्रेवी, ये बाइट ले रहा हूँ भाई मैं कढ़ाई का। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले बता दूँ कढ़ाई का मैं बहुत शौकीन हूँ, जैसा जेन्युइन रिव्यू होगा वो मैं दूँगा आज, क्योंकि बारबेक्यू ने तो इनके मुतासिर किया है, अब कढ़ाई की बारी है। बिस्मिल्लाह। मीट तो भाई अच्छी तरीके से गला हुआ है, जो बाइट मैंने लिया उसमें भी मैंने आपको दिखाया और मैं वैसे भी दिखा दूँ, चिकन का मीट तो बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ है। और ये भी होता है कि चिकन तो गल ही जाता है। कढ़ाई टेस्ट में हल्की कम मसाले की है, मुझे पसंद है थोड़ी सी चटपटी कढ़ाई, बट ये कढ़ाई जो है ना ग्रेवी इसकी थोड़ी सी माइल्ड फ्लेवर की तरफ चली गई है तो अच्छी है। बट अगर मेरी पसंद की कहा जाए तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी पसंद की कढ़ाई है ये। मैं एक बाइट कढ़ाई का ले रहा हूँ, मतलब सॉरी कढ़ाई का नहीं, ग्रेवी का, ताकि मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें दले हुए मसाले हैं वो थोड़े कम हैं, ग्रेवी थोड़ी माइल्ड फ्लेवर की तरफ ज़्यादा चली गई है, शायद इसमें टमाटर और दही की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। बट भाई अगर डील वाइज देखा जाए तो हाफ़ के जी कढ़ाई सिर्फ 800 या 900 रुपए इस वक्त प्राइसिंग चल रही है, उसके बाद बारबेक्यू इतना सारा, उसके बाद इनका हलीम, वो भी रेशेदार, मैं हलीम दिखाता हूँ आपको, ये देखें हलीम चेक करें इनका, ये रेशेदार हलीम और बिरयानी और पुलाव जिसके लिए ये फेमस है। भाई ये हलीम भी एक बाइट ले ही लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो भाई तमाम आइटम मैंने ट्राई कर लिए हैं, आई होप कि आप लोग जब यहाँ आएँ तो इनकी ये डील ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इनके पास सिर्फ यही डील नहीं है, इनका पूरा एक मेन्यू है जिसमें मतलब आपको मैं दिखाऊँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के करीब डील्स हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने अभी कुछ नई डील्स लगाई हुई हैं, एक जिंगर पे एक जिंगर फ्री, वो भी 250 रुपये का है, ब्रोस्ट है। तो इस तरह से इनके पास आइटम तो बहुत सारे हैं और भूख भी मुझे इतनी लग रही है कि अब मुझे लगता है कि खाना पड़ेगा। मेरे साथ जो कैमरा मैन है वो भी काफ़ी भूखे हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। डील्स की मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, बट ये मैंने इसलिए बनाई कि भाई ईद के बाद अगर आप लोग 5 से 6 लोग कहीं पार्टी करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो अल फरीद पकवान सेंटर गुलशन में जो इनकी बिरयानी की शॉप है उसके बिल्कुल ही बराबर में 2-3 दुकानों के बाद ही इन्होंने खोला है। पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे फॉलो, क्योंकि मज़ेदार वीडियो आने वाली है।